दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में देखेंगे क्रैकी फेस। तो क्रैकी फेस कैसे क्रिएट करते हैं फोटोशॉप में बताने वाला हूँ। ये है क्रैकी फेस, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके जैसा फेस हमें क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हमें अपना फोटोशॉप में दो इमेज चाहिए, एक ये सिंपल इमेज है वो चाहिए और ये इमेज चाहिए पैटर्न वाली। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको अनलॉक करके मैं कंट्रोल करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इमेज को, या कंट्रोल से लेके डायरेक्टली इमेज को यहाँ पे फेस पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद इस इमेज को क्या करना है, आपको सिर्फ सेट करना है। ठीक है, सेट करना है जो हमारे पास फेस है उस पर। ठीक है, ये देखिए इस इमेज को यहाँ फेस पे सेट करना है और एंटर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे अनलॉक कर लेना है। अब जो हमारा पैटर्न थी, पैटर्न पे ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में यहाँ पे ब्लेंड मोड लिखा है, वहां से आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए डार्कन पे ऐसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे ऐसा। ठीक है, ये सभी इफेक्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, सभी इफेक्ट बेटर यही रहेगा, डार्कन और मल्टीप्लाई है वो भी बेटर रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ, तो ये हमारे पास अभी आ गया है। तो इस दोनों लेयर को अभी आप कस्टमाइज भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस लेयर को क्लिक करके कंट्रोल टी कर लीजिए, और यहाँ पे आपको जो पैटर्न अपनी थी उसको मूव करवाना है तो आप करवा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके इसको ये देखिए ऐसा भी कर सकते हैं आप, देखिए। ओके, तो दोनों लेयर को आपको जोड़ देना है कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करके। ठीक है, ये इमेज आपके पास बन गया है अभी। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद।